नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभा। मेरे चैनल शोभा रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं झटपट बनने वाली टेस्टी हेल्दी सब्जी बनाने वाली हूँ। ये स्प्रिंग ऑनियन या ग्रीन प्याज जो भी बोले, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ले लिया गोभी 200 ग्राम जितना। गोभी को मैंने इस तरह से काट लिया। इसको काट के मैंने पानी में अच्छे से भिगो दिया था, नमक डाल के, जिससे इसके कोई कीड़े वगैरह हो तो साफ हो जाए। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर से छान लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो को। एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया, थोड़ा तेल ज़्यादा लिया क्योंकि हम इसमें गोभी को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम गोभी डाल देंगे। गोभी हमारी फ्राई हो चुकी। फ्रेंड, ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, आप चावल, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हो। झटपट बनने वाली, कम मसाले, हेल्दी, ऑयल भी बहुत कम डालने वाली हूँ मैं। इसी कढ़ाई में हमने तेल को कम कर लिया। अब इसमें डाल देंगे हम जीरा आधा चम्मच, इसमें डाल देंगे दो चुटकी हींग, हमने एक चम्मच लहसुन ग्रेट करके रखे थे, इसमें थोड़ा सा लहसुन आप ज़्यादा डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आधा चम्मच ग्रेट की अदरक डाल देंगे, इसको सॉटे कर लेंगे। एक हरी मिर्च हम डाल देंगे बारीक कटी हुई, सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी का मसाला भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच से कम की हल्दी पाउडर। मसाला को हम जलने नहीं देंगे, फटाफट हम डाल देंगे। एक टमाटर हमने, दो टमाटर हमने काट लिए, ग्रेट कर लिए एक और एक काट लिया हमने। अब इसी में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को भी नमक डाल के फ्राई किए हैं, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा नमक इसमें डालें ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड, ये रेसिपी आप कहाँ कहाँ से देख के जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी डिश अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब प्याज हमारा बहुत ज़्यादा, टमाटर हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, फिर भी हमारा टमाटर को तेल छोड़ दिया है। अब इसको हमने हरा प्याज को क्या किया, थोड़ी देर के लिए अच्छे से साफ करके, अच्छे से धो के हमने इसे सुखा लिया था 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद इसे कटेंगे तो जिससे इसमें मॉइस्चर कमती है तो सब्जी हमारा अच्छा बनेगा। इसे फटाफट हम फ्राई करेंगे। हमने छोटे छोटे आलू को कुछ इस तरह से कटिंग करके आधी चम्मच ऑयल डाल के कुकर में डाल के हमने ना तो फ्राई किया है ना ही बॉईल किया है, हमने इसे फिर स्टीव में पका लिया। तो ये देखिए इस तरह से पक गए। अब हरा प्याज थोड़ा सा सॉटे हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं पके। अब इसमें डाल देंगे हम गोभी, अब आलू को भी डाल देंगे। ये सूखी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, और बच्चों को टिफिन में भी देने के काम आए, दुकान में भी, आप ऑफिस के टिफिन में भी बहुत अच्छा आप दे सकते हो, सुबह के नाश्ते में, डिनर में, कभी भी आप इस सब्जी को बना सकते हो। एक छोटी चम्मच हम डाल देंगे अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर। अब इसे मिक्स करके हम 2-5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के रेडी हो गई है। गोभी भी हमारा क्योंकि फ्राई किया हो तो गल ही गए हैं, ये देखिए। आलू भी पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, हो गया हमारा। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये थोड़े से कसूरी मेथी। इसमें आप गोभी में और ये हरे प्याज में आप कसूरी मेथी डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी खुशबू तो आएगी ही आएगी प्यारी सी, और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सी, लाजवाब सी आएगी। तो 2 चुटकी हम डाल देंगे गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे।
लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया। तो ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई। अब हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके रेडी हुई है। ये सूखी सब्जी खाने दाल चावल के साथ में रोटी के साथ में इतना मज़ा आ जाता है खाने में। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कैसा बना जी फीडबैक में बताना ना भूले। थोड़ी सी हरा धनिया से हम गार्निश कर देते हैं। तो चलिए मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है। मैं तो चली खाने, आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए।